Assalamu alaikum aspirants. Today we will discuss the history of USA past paper 2020. So is paper ke tamam question ko hum one by one discuss karenge. Hum start karte hain. Hamara first question hai, among us the Congress, the judiciary and the executive branches of the United States government, which one of the government branches is much more powerful and why? So elaborate through the prism of the US separation of the powers and checks and balance system. अमेरिकी हुकूमत की तीन ब्रांचेस में से कौन सी ब्रांच ज्यादा ताकतवर है, कांग्रेस, अदलिया या फिर एग्जेक्टिव? सो अमेरिकी निजाम में इख्तियारात की तकसीम और तवाजन को मद्देनजर रखते हुए इसको एलोबरेट करना है. सो मोस्ट पावरफुल ब्रांच इन द यूएस गवर्नमेंट, कांग्रेस, जुडिशरी और एग्जेक्टिव. अमेरिकी हुकूमत में सबसे ताकतवर शाख कौन सी है, कांग्रेस है, अदलिया है या फिर एग्जेक्टिव है? तो अमेरिकी हुकूमत का जो निज़ाम है वो इख्तियारात की तकसीम है, यानी सेपरेशन ऑफ द पावर्स, और चेक एंड बैलेंस के असूलों के ऊपर है. ठीक है, तो इसका मकसद है कि किसी एक शाख को ज़्यादा ताकतवर होने से रोकना. सो हम इन तीनों शाखों की ताकत और उनके दरमियान तवाज़ुन को डिस्कस करेंगे ताकि ये समझ सकें कि कौन सी शाख को ज़्यादा ताकतवर समझा जा सकता है. सो द बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर्स, यूएस गवर्नमेंट डिवाइड्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटू थ्री सेपरेट ब्रांचेज, कांग्रेस, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी. ठीक है, इख्तियारात की तकसीम का जो बुनियादी मकसद है, अमरीकी हुकूमत में इख्तियारात को तीन जो है डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है. एक कांग्रेस है, लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी कानून साजी की शाख है, कवानीन बनाती है. दूसरी एग्जेक्टिव यानी के प्रेसिडेंट कवानीन का नफाज करता है. और अदलिया, सुप्रीम कोर्ट कवानीन की तशरीह करती है. ठीक है, तो ये जो सेपरेशन है ये इस बात को यकीनी बनाती है कि हुकूमत की कोई एक शाख तमाम इख्तियारात को अपने हाथ में ना ले सके. सो अब हम देखते हैं कि हाउ चेक्स एंड बैलेंस वर्क, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कैसे काम करता है अमेरिका में. तो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो हर शाख को दूसरे शाखों के इख्तियारात को महदूद करने की इजाज़त देता है. ठीक है, ठीक है. सो दिस इंश्योर अ बैलेंस वेयर नो ब्रांच कैन एक्ट विदाउट सम ओवरसाइट और अप्रूवल फ्रॉम एनदर, ताकि कोई भी शाख मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ना हो. सो फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से कांग्रेस कानून पास करती है लेकिन सदर उनके ऊपर वीटो लगा सकता है, और सदर जजेस की तकर्री कर सकता है लेकिन सेनेट उनकी तस्दीक करती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कानून या सदारती हुक्म को गैर आइनी करार दे सकती है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जामिनिंग द पावर ऑफ द ईच ब्रांच. तो जो कांग्रेस है यानी कि कानून साज शाख है, ये तो कानून बनाने का इख्तियार रखती है, वो कानून बनाती है जो मुशाती निज़ाम को तश्कील देते हैं. तो उसके बाद जो है वो कंट्रोल ओवर बजट है, यानी कि कांग्रेस जो है वो हुकूमती अखराजात का फैसला करती है, और ये जो है इख्तियार रखती है पावर ऑफ द पर्स. ठीक है, ये पर्स का इख्तियार रखती है. उसके बाद एग्जेक्टिव के ऊपर चेक कैसे होता है, कांग्रेस कैन ओवरराइड अ प्रेसिडेंशियल वीटो एंड इवन इम्पीच द प्रेसिडेंट. तो कांग्रेस सदारती वीटो को रद्द कर सकती है और सदर का मुआवजा भी कर सकती है. हालांकि कांग्रेस के पास मजबूत इख्तियारात हैं लेकिन उसके फैसले सदर के वीटो या फिर अदलिया के गैर आइनी करार देने की वजह से महदूद हो सकते हैं. सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं प्रेसिडेंट, एग्जेक्टिव ब्रांच. तो ये कानून का ये नफाज करता है, प्रेसिडेंट इन्फोर्स लॉज एंड मैनेज नेशनल पॉलिसीज, और नेशनल पॉलिसीज का भी मैनेज करता है, इसका भी इंतजाम करता है. देन कमांडर इन चीफ जो है वो सदर फौज का कमांडर होता है, और वीटो पावर, सदर कांग्रेस के कानून को वीटो कर सकता है, हालांकि कांग्रेस जो है वो दो तिहाई वोट के साथ वीटो को रद्द भी कर सकती है. सो सदर के पास जो है वो इख्तियारात वसी होते हैं मगर वो कांग्रेस के बजट कंट्रोल और अदलिया के चेक के तहत महदूद रहते हैं. तो तीसरी ब्रांच है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल ब्रांच. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कानून या फिर सदारती फैसले को गैर आइनी करार दे सकती है, जिससे उसे हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर मजबूत असर हासिल होता है. और इसके अलावा फिर कवानीन की तशरीह करती है अदलिया, कवानीन की हतमी तशरीह करती है जिससे उनका हकीकी ज़िंदगी में इतलाक होता है. सो डिस्पाइट दिस पावर द जुडिशरी कैन नॉट इन्फोर्स इट्स ओन रूलिंग्स एंड रिलाइज ऑन द एग्जेक्टिव फॉर इन्फोर्समेंट, अदलिया अपने फैसलों का नफाज नहीं कर सकती और इसके नफाज के लिए एग्जेक्टिव के ऊपर इनसार करती है. ठीक है, सो विच ब्रांच होल्ड द मोस्ट पावर, कौन सी शाख सबसे ज़्यादा ताकतवर है? So no branch is inherently more powerful due to the checks and balance system. However, some might argue that Congress holds the most potential power because it controls the budget, it can make laws and override votes, it holds impeachment power over the both president and federal judges. ठीक है, check and balance का निज़ाम जो अमेरिका के अंदर है, तो इस निज़ाम की वजह से कोई भी ब्रांच जो है वो अपनी ज़ात में सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है,
कुछ लोग यह समझते हैं कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा ताकतवर यानी कि ज्यादा कांग्रेस के अंदर ताकत मौजूद है, क्योंकि ये बजट कंट्रोल करती है, कानून बना सकती है और वीटो को रद्द भी कर सकती है। इसके अलावा सदर और फाकी जजेस दोनों का मुआवजा भी कर सकती है। सो हम इसको कंक्लूड करते हैं, बैलेंस ऑफ द पावर्स इख्तियारात का तवाजन है। अमेरिका के अंदर अमरीकी निज़ाम में हर शाख के पास मुनफरद अपने इख्तियारात हैं, मगर तवाजन का ये निज़ाम किसी भी शाख को जो है वो डोमिनेट नहीं होने देता, उसको गालिब आने से रोकता है। तो इस मुहतात जो ये जो ढांचा है, इसका मकसद हुकूमत के तमाम शोबों को अकाउंटेबल बनाना है और हुकूमती ताकत को काबू में रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इवन दो द ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फाउट अ रेवोल्यूशनरी वॉर इन द 1770 एंड द वॉर ऑफ 1812, सो हाउ डिड द टू पावर्स केम क्लोजर इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द 19 एंड 20 सेंचुरीज एलोब्रेट। अगरचे अजीम बरतानिया और अमेरिका ने 1770 की दहाई में इंकलाबी जंग और 1812 की जंग लड़ी, तो फिर किस तरह दोनों ताकतें 19वीं और 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में एक दूसरे के करीब आईं। सो हाउ ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट बिकम अलाइज। मुश्तरका जो इनके सकाफती और इक्तसादी तालुकात थे, उनकी मुश्तरका जबान और सकाफत थी। सो अजीम बरतानिया और अमेरिका कैसे इतिहादी बने, क्योंकि अमेरिका और अजीम बरतानिया कभी दुश्मन थे जिन्होंने इनकलाबी जंग और 1812 की जंग में दूसरे के खिलाफ यानी कि ये जंग लड़ी थी। तो दोनों अकवाम जो थी वो 18 और 19 सेंचुरी के आखिर में ये करीब आई थी, और इस तब्दीली की वजह जो है वो मुश्तरक मफादात थे। इसके अलावा तिजारत थी एंड नीड फॉर म्यूचुअल सपोर्ट ड्यूरिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और आलमी तनाजात के दौरान बाहमी तावन की ज़रूरत थी। सो मुश्तरक सकाफती और इक्तसादी तालुकात थे, इनकी मुश्तरक जबान है और इनकी सकाफत है जिसकी वजह से ये करीब आए। तो दोनों मुल्क की जबान जो है वो यानी इंग्लिश थी, तो उनके कानूनी और सियासी निज़ाम भी एक जैसे थे। देन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फिर वक्त के साथ साथ दोनों मुल्क की अवाम एक दूसरे के जमहूरी इकदार और रवायात की कदर भी करने लगे थे। देन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ग्रोइंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर जो है 19 सेंचुरी के आखिर तक बरतानिया और अमेरिका बड़े तजारती शराकत दार बन गए और एक दूसरे से सामान और वसायल का तबादला भी करते रहे। सो दिस ट्रेड बूस्टेड बोथ इकोनॉमीज एंड क्रिएटेड अ डिपेंडेंसी दैट एनकरेज्ड कोऑपरेशन रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट। इक्तसादी फवायद क्या थे कि इस तजारत ने दोनों मईशतों को फरोग दिया और एक इनसार पैदा किया जिसने तामन को तरगीब यानी कि दी बजाय इसके के तनाजात हों। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट रिजॉल्विंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, पुराने तनाजात को परमन तरीके से हल करना। तो वाशिंगटन मुआहदा हुआ 1871 में, तो इस मुआहदे के ने कई यानी जारी मसाइल को हल किया। अमेरिका के सिविल जंग में बरतानिया की हमायत है, तो इसके अलावा पुरमन सालसी है, ये मुआहदा जंग के बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की एक अहम मिसाल था जिसने दोनों मुल्क के दरमियान ट्रस्ट को बढ़ाया। सो बॉर्डर एंड टेरिटोरी एग्रीमेंट्स, फिर सरहदी और इलाकाई मुआहदे हुए दोनों मुल्क के दरमियान। तो दोनों मुल्क ने शुमाली अमरीका में सरहदें दी जो तनाजात थे उनको पुरमन तरीके से हल करने के लिए मिलकर काम किया, जिससे कैनेडा के साथ सरहदों पर कशीदगी काम हुई। तो ग्रोइंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम बोथ नेशंस वर्क टुगेदर टू फाइंड फेयर सॉल्यूशंस एंड स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि जो इनके अंदर सफारतकारी थी वो मुअसर थी, दोनों मुल्क के सफारतकारों ने मुनसफाना हाल तलाश करने के लिए तावन किया एक दूसरे के साथ जिससे इनके ताल्लुकात मजबूत हुए। देन आलमी तनाजात में मुतहद रहे, जिस तरह से वर्ल्ड वार थी पहली जंग अजीम 1914 टू 1918, तो इसमें ये जो है वो इतिहादी क़ुव्वतें थीं। अमेरिका ने पहली जंग अजीम में बरतानिया और बाकी दीगर इतिहादियों के साथ शामिल होकर दोनों ममालिक के दरमियान पहला बड़ा फौजी इतिहाद कायम किया। उसके बाद म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जंग ने दोनों ममालिक के दरमियान करीबी फौजी तावन को फ़रोग दिया और उनके ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आलमी तनाज़ा था, दूसरी जंग अजीम थी 1939 टू 1945, तो बरतानिया और अमरीका ने एक दोबारा एक साथ जंग लड़ी जहाँ अमेरिका ने बरतानिया को ज़रूरी सप्लायर्स और फौजी जो मदद भी फराम की। उनके मुश्तरक हदाफ थे, दोनों मुल्क का मकसद जो है वो नाजी जर्मनी को शिकस्त देना था जिससे उनके इतिहाद को मजीद मुस्तहकम किया और नेटो के क्याम की बुनियाद रखी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लास्टिंग अलायंस, एक पायदार इतिहाद का क्याम हुआ, नेटो का क्याम हुआ 1949 में। तो बरतानिया और अमेरिका नेटो के बानी अरकान बने जो एक फौजी इतिहाद था जिसने दोनों मुल्क को दूसरे के दिफा के लिए पाबंद किया। देन कोल्ड वार पार्टनरशिप, ड्यूरिंग द कोल्ड वार बोथ countries stood united against the spread of communism, strengthening the strategic partnership.
तो सादे जंग के दौरान दोनों मुल्क ने कम्युनिज्म के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा किया जिससे उनकी स्ट्रेटजिक शराकतदारी मजबूत हुई। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कंक्लूड करते हैं। द लेट 19 एंड 20 सेंचुरीज सॉ ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एडवर्सरीज इनटू क्लोज अलाइज लार्जली ड्यू टू शेयर इंटरेस्ट पीसफुल डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस ड्यूरिंग मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। सो दिस बॉन्ड रिमेन्स अ कॉर्नरस्टोन ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसीज टुडे। 19 और 20 सेंचुरी के आखिर में अजीम बरतानिया और अमेरिका ने अपने आप को हरीफों से करीबी इतिहादियों में तब्दील किया जिसकी बड़ी वजह मुश्तरक मफादात थे, पुरअमन सफारतकारी और आलमी तनाजात के दौरान इतिहाद था। ठीक है, तो ये इतिहाद आज भी दोनों मुल्क की खारजा पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, एक अहम जुज़ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड अमेरिकन स्पेनिश वार इन 1898 रेज द यूनाइटेड स्टेट्स स्टेटस एज वन ऑफ द लीडिंग वर्ल्ड पावर्स। ठीक है, 1898 में अमरीकी स्पेन जंग ने किस तरह अमरीका की हैसियत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर बढ़ाया। सो द स्पेनिश अमेरिकन वार ऑफ 1898 मार्क द टर्निंग पॉइंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स रेजिंग इट्स स्टेटस एज अ लीडिंग वर्ल्ड पावर। थ्रू अ क्विक एंड डिसीव विक्ट्री द यूएस गेन्ड न्यू टेरिटरीज एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस एंड शोकेस्ड इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो 1898 की अमरीकी स्पेन जंग ने अमेरिका के लिए एक अहम मोड़ साबित किया। ठीक है, जिसके जरिए उसकी हैसियत दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर बढ़ गई और एक तेज और फैसला कुन फतह के जरिए अमरीका ने नई जो इलाकाई मलकियतें थी वो हासिल की और अपने असर रसूख को बढ़ाया और अपनी फौजी ताकत का भी मुजाहरा किया। ठीक है, सो हम स्पेनिश अमेरिकन वार के बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से स्पेन और अमेरिका का जंग का पस मंजर स्पेन के साथ कशीदगी है, तो कोबियाई आज़ादी कोबा ने स्पेन की हुक्मरानी से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और अमेरिका ने इसकी हमायत की और यूएस मैन इंसिडेंट और उसके बाद जो है जब एक इंसिडेंट हुआ जब एक जो अमरीकी बहरी जहाज जो है वो हवाना बंदरगाह में धमाके का शिकार हुआ तो अमेरिका ने स्पेन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर जिससे जंग के लिए जो आवाज़ें थी वो बढ़ने लगी थी, बुलंद होने लगी। सो डिज़ायर्स फॉर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो मैं जो दुनिया भर में जो असर रसूख की ख्वाहिश थी तो इसके लिए यानी कि तौसीफ मकासद थे। बहुत से अमरीकियों का मानना था कि अमेरिका को आलमी सतह के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और स्पेन के साथ तसादम जो है वो इस मौका को यानी कि इस मौका को फराहम करता था। सो अ क्विक विक्ट्री एंड टेरिटोरियल गेंस, तो जंग का नतीजा क्या रहा, अमेरिका ने सिर्फ चंद मंथ में स्पेन को शिकायत दी जिससे उसकी बढ़ती हुई फौजी ताकत का भी पता चला। देन ट्रीटी ऑफ पेरिस 1898, सो पीस ट्रीटी गेव द यूएस कंट्रोल ओवर फॉर्मर स्पेनिश टेरिटरीज इंक्लूडिंग द प्योर्टो रिको गुआम एंड द फिलीपींस। फिर पेरिस का मुआहदा हुआ 1898, अमन मुआहदे के तहत अमेरिका को साबिक स्पेन के इलाकों पर कब्जा मिला जिनके अंदर पोर्टो रिको थे, गुआम था और फिलीपींस शामिल था। और उसके बाद फिर नए समुद्री इलाके यानी इन इलाकों का जो हसूल था वो अमेरिका के असर रसूख को कैरेबियन और बहरुल कायल तक फैलाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ और इसके अलावा इसकी आलमी पहुंच में भी इजाफा हुआ जिससे नौबादियात का आगाज़ हुआ और ये इलाका अमेरिका की नौबादियाती ताकत बनने की इब्तिदा था। देन इंक्रीज पोलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, फिर सियासी और फौजी असर रसूख में भी इजाफा हुआ, फौजी ताकत भी बढ़ी। ग्लोबल नेवी जंग के दौरान अमेरिका ने अपनी बहरिया को मजीद ताकतवर बनाया जिससे वो अपने नए इलाकों की हिफाजत कर सके और आलमी सतह के ऊपर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके। ठीक है, तो ग्रेटर डिफेंस कैपेबिलिटी अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलाउड द यूएस टू प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक मजबूत फौज ने अमेरिका को आलमी तनाजात में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत फराहम की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दुनिया की ताकत के तौर पर पहचान रिकॉग्नाइजेशन एज अ वर्ल्ड पावर। सो दूसरे मालिक ने अमेरिका को एक अहम ताकत के तौर पर तस्लीम किया और इसकी फौजी इक्तसादी सलाहियतों का भी एहतराम किया। देन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फिर नए इलाकों और फौजी ताकत के साथ अमेरिका अब सियासी मामलों में भी आलमी सतह के ऊपर असरअंदाज हो सकता था। सो कंक्लूड करते हैं हम इस क्वेश्चन को, यूएस इमरजेंस इज द वर्ल्ड पावर, स्पेन अमेरिका जंग ने अमेरिका को दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर कायम किया जिसके जरिए उसके इलाके और आलमी असर रसूख में इजाफा हुआ। So this victory marked the start of the new era as the US began to take an active role in world affairs. Is fatah ne ek naye daur ka aagaaz kiya jab America ne aalmi mamlaat mein faal kidar ada karna shuru kiya. So next question hai, after the end of the World War passed 1914 to 1918, why the US President Woodrow Wilson failed to convince the US Congress to become part of the League of the Nations. So despite his long standing efforts for the creation of this international organization through the prism of his 14 points. पहली जंग अजीम
1914 to 1918 के बाद अमेरिकी सदर वेडोर विल्सन ने अपने आलमी तंजीम लीग ऑफ नेशन के क्याम के लिए अपने तवील अरसे के मेहनत के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस को क्यों कायल वो नहीं कर सके थे कि वो इस आलमी तंजीम का हिस्सा बने। ठीक है, सो इसको डिस्कस करते हैं, व्हाई प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन फेल्ड टू कन्विंस कांग्रेस टू जॉइन द लीग ऑफ द नेशंस। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन वाज डिटरमाइंड टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द लीग ऑफ नेशंस टू मेंटेन ग्लोबल पीस। सो ऑल्दो विल्सन वर्कड हार्ड टू प्रमोट दिस आइडिया थ्रू हिज 14 पॉइंट्स, ही वाज अनएबल टू कन्विंस द यूएस कांग्रेस टू जॉइन। तो पहले जंग अजीम के बाद सदर वुडरो विल्सन ने आलमी अमन के क्याम के लिए एक बैन अक्वामी तंजीम लीग ऑफ नेशंस बनाने का जो है वो इरादा किया था, अहद किया था। सो विल्सन ने अपनी 14 निकाती मंसूबे के जरिए इस ख्याल को फरोग देने के लिए मेहनत की, मगर वह अमरीकी कांग्रेस को इस आलमी तंजीम का हिस्सा बनाने में कामयाब नहीं हो सके। सो विल्सन विजन फॉर द लीग ऑफ द नेशंस, क्या विजन था विल्सन का लीग ऑफ नेशंस के बारे में? तो 14 पॉइंट्स थे विल्सन के 14 निकात, एक ऐसा मंसूबा था जिसमें जंग के असबाब को हल करने और खुद मुख्तारी के फरोग के ऊपर जोर दिया गया। द लीग ऑफ द नेशंस प्रपोजल, फिर इस मंसूबे का एक अहम नुक्ता जो था वो लीग ऑफ नेशंस का क्याम था। ठीक है, तो ये लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा इदारा होता जहां ममालिक तनाजात को पुरमन तरीके से हल कर सकते थे। अब इसके लिए विल्सन का मकसद क्या था कि मुस्तकबिल में जंगों की रोकथाम करना उनका मकसद था, यानी विल्सन का बिलीव था कि ये तंजीम मुस्तकबिल में जंगों को रोकने में मददगार साबित होगी क्योंकि ये सफारतकारी उतावन को फरोग देगी। तो यूएस इज अ लीडर, He envisions the United States leading the effort for global stability. अमेरिका का आलमी रहनुमा बनना, उन्होंने अमेरिका को आलमी सतह के लिए क्यादत फराहम करने का तसव्वुर दिया। Then opposition from Congress, फिर कांग्रेस की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ा और concerns about losing sovereignty, यानी कि अपनी सालमियत को खोने के हवाले से खौफ था, ये गैर मुल्की कंट्रोल का खौफ था। कांग्रेस के बहुत से अरकान का यह खदशा था कि लीग ऑफ नेशंस अमेरिका की खुद मुख्तारी को महदूद कर देगी क्योंकि ये तंजीम जो है ये अमेरिका को अपने फैसलों के पैरवी करने के ऊपर मजबूर कर सकती थी। सो ऑब्लिगेशन टू डिफेंड अदर नेशंस, यानी दूसरे ममालिक का दिफा करने की जिम्मेदारी थी। कांग्रेस को यह खौफ था कि अमेरिका को लीग ऑफ नेशंस के बाकी जो रुकन ममालिक हैं उनका दिफा करने के लिए जंग में शामिल होना पड़ेगा, चाहे ये अमेरिका के मफाद में ना हो। फिर तनहाई पसंद जज्बात भी थे इसके अंदर के गैर मुल्की जो मामला से बचने की ख्वाहिश थी। पहली जंग अजीम के बाद बहुत से अमेरिकियों और कांग्रेस के अरकान ने मुल्की मसाइल के ऊपर जो है वह तवज्जो देने के लिए और यूरोपी तनाजात में मजीद मुलाविज होने से उन्होंने जो है बचने की ख्वाहिश का इजहार किया। सो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच, अमेरिका यानी कि पहले का एक नुकता नज़र था कि कांग्रेस का ख्याल था कि अमेरिका को अपने तहफ़ और इक्तसादी इस्तेहकाम को तरजीह देनी चाहिए, ठीक है, ना कि आलमी जिम्मेदारियों में शामिल होकर अपनी कुव्वत को आलमी सतह के ऊपर लगाना चाहिए। देन विल्सन रिफ्यूजल टू कम्प्रोमाइज, विल्सन का समझौता करने से इनकार करना, तो सेनेट की तरफ से तब्दीलियों का मुतालबा जो था वो इसमें तजवीज़ करदा जो है वो तरमीम थी, मॉडिफिकेशन थी, यानी कुछ जो सैनिटर थे जिनकी क्यादत हैरी क्यूबिट लॉज ने की थी, तो लीग ऑफ नेशंस में अमेरिका की खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए कुछ तब्दीलियों के हक में थे। देन विल्सन रिफ्यूजल, फिर विल्सन का इनकार है, विल्सन ने तब्दीलियों को मंजूर करने से इनकार किया और लीग ऑफ नेशंस को अपनी असल शक्ल में रखने को जरूर समझा, जिसकी वजह से कांग्रेस उनसे जो है वो नाराज हो गई थी। ठीक है, सो उसके बाद विल्सन के सेहत के भी मसाइल थे। विल्सन सफर्ड अ सीवियर स्ट्रोक ड्यूरिंग हिज कैंपेन टू गेन पब्लिक सपोर्ट फॉर द लीग, सो वीकनिंग हिज इन्फ्लुएंस ओवर कांग्रेस। विल्सन ने अवामी हमायत हासिल करने के लिए लीग ऑफ नेशंस के लिए मुहिम चलाई थी, ठीक है, लेकिन इस दौरान उन्हें शदीद फालिज का सामना करना पड़ा था जिससे उनका कांग्रेस के ऊपर जो असर था वो कम हो गया। सो विल्सन की पुरजोश कोशिश के बावजूद कांग्रेस ने लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने की मंजूरी ना दी और खुद मुख्तारी के बारे में खदशात, इसके अलावा तनहाई पसंद का रुझान था और विल्सन का समझौता करने से इनकार अमेरिका को उस आलमी तंजीम का हिस्सा बनने से रोकने के ये तमाम फैक्टर्स थे। तो अमेरिका की हमायत के बगैर लीग ऑफ नेशंस आलमी अमन के लिए अपने जो है अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब ना हो सकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू 1939 टू 1945 टू मेजर पावर्स यूएस एंड द सोवियत यूनियन इमर्ज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बाइपोलर सिस्टम। सो एलोबरेट कॉन्सेप्चुअली द बाइपोलर वर्ल्ड रिमेन मोर पीसफुल एंड स्टेबल देन द मल्टीपोलर वर्ल्ड इन द प्री वर्ल्ड वॉर एरा। दूसरी जंग अजीम जो कि 1939 टू 1945 थी, तो इस जंग के बाद
दो बड़ी ताकतें अमेरिका और सोवियत यूनियन उभरी, जिसने एक दो कुतबी निज़ाम तश्कील दिया। और इस बात की भी वजाहत करें कि यह दो कुतबी निज़ाम पहली आलमी जंग से पहले के कसीर कुतबी निज़ाम से ज़्यादा पुरअमन और मुस्तहकम था। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बाईपोलर वर्ल्ड वर्सेज मल्टीपोलर वर्ल्ड, विच वॉज मोर पीसफुल एंड स्टेबल। कौन सा जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ज़्यादा पीसफुल था या बाईपोलर वर्ल्ड ज़्यादा पीसफुल था? तो दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी ताकत थी उसका ढांचा काफ़ी हद तक तब्दील हो गया, उसकी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तब्दील हो गई और अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी जो दो सुपर ताकतें थी वो उभरी थी। तो ये दुनिया के कसीर कुतबी निज़ाम से मुख्तलिफ था, जहाँ कई ताकतें आपस में मुकाबला कर रही थी। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं कि दो कुतबी जो है दुनिया पहले आलमी जंग के कबल के जो कसीर कुतबी निज़ाम है उससे ज़्यादा पुरअमन और मुस्तहकम थी। सो अंडरस्टैंडिंग बाईपोलर एंड मल्टीपोलर सिस्टम, बाईपोलर और मल्टीपोलर सिस्टम को समझना। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की जो है दो जो डोमिनेटेड पावर थी अमेरिका और सोवियत यूनियन, उनकी हुक्मरानी थी। ठीक है, जो एक दूसरे के मुखालिफ नजरियात यानी सरमायादारी और कम्युनिज्म को फ़रोग दे रहे थे। और ममालिक या तो अमेरिका यानी नेटो के साथ थे या सोवियत यूनियन वाले समुदाय के साथ। मल्टीपोलर सिस्टम प्री वर्ल्ड वार्स, तो कई मुकाबला करने वाली ताकतें थी, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे कई बड़े मुल्क अपने इन्फ्लुएंस और अपने रिसोर्सेज के लिए मुकाबला करते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर इतिहादी बदले, इतिहाद जो था वो वक्तन बदलते रहते थे, जिससे अदम इस्तेहकाम और गलत फहमियों का सामना होता था। देन वाज द बाईपोलर वर्ल्ड मोर पीसफुल, क्या दो कुतबी दुनिया ज़्यादा पुरअमन थी? तो दोनों सुपर ताकतों का इस्तेहकाम आया, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान वाज़ तकसीम ने ताकत का तवाज़न कायम किया, क्योंकि दोनों तरफ ये जानते थे कि बराह रास्त जंग तबाहकुन साबित होगी। देन म्यूचुअल एश्योर डिस्ट्रक्शन, फिर जौहरी जंग का खतरा बराह रास्त जो है वो तसादम को रोकता था, क्योंकि दोनों तरफ इस बात का खौफ था कि मुकम्मल तबाही हो सकती है। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट प्रॉक्सी वॉर्स, कोई बड़ी आलमी जंग नहीं, यानी कि छोटी जंगें जैसे कोरिया वियतनाम हुई, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बराह रास्त जंग से गुरेज किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रॉक्सी जंग। सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स वर फॉट इनडायरेक्टली थ्रू अलाइड नेशंस अवॉइडिंग ग्लोबल एस्केलेशन, कई जंगें इतिहादी ममालिक के जरिए गैर बराह रास्त तौर पर लड़ी गई, जिससे आलमी सतह के ऊपर उसके फैलाव को रोका गया। देन कंपेरिजन विद मल्टीपोलर सिस्टम स्टेबिलिटी, कसीर कुतबी निज़ाम के इस्तेहकाम को आजना, बार बार जंगें हुई और कशीदगियाँ हुई, कई ताकतों के दरमियान राइवलरीज थी, यानी कसीर कुतबी निज़ाम में यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में कई ताकतें अक्सर इलाके और वसाइल पर तसादम करती रहती थी, जिसके नतीजे में पहली आलमी जंग हुई। और उसके बाद अनस्टेबल अलायंसेस विद शिफ्टिंग अलायंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सडन कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन कंट्रीब्यूटिंग टू इंस्टेबिलिटी, इतिहादों के बार बार बदलने की वजह से गलत फहमी और अचानक फिर तसादम यानी तसादम का सामना होता था, जिससे अदम इस्तेहकाम बढ़ता था। Then constant power struggles with no clear dominant power smaller conflicts could easily escalate. So जोहरी खतरे, दूसरी जंग अजीम से पहले जो जोहरी हथियार थे तो वो मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ममालिक जंग में हिस्सा लेने में ज़्यादा एतमाद रखते थे। तो फिर जो मुस्तकिल यानी कि ताकत की जदोजहद थी, तो क्योंकि कोई गालिब ताकत नहीं थी इसलिए छोटी जंग आसानी से बढ़ सकती थी। सो बाईपोलर सिस्टम इज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स, दूसरी जंग अजीम के बाद जो दो कुतबी निज़ाम था वो आमतौर पर पहली आलमी जंग उससे पहले के कसीर कुतबी निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल था, ज़्यादा मुस्तहकम था। ठीक है, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान वाज़ तकसीम थी और जौहरी जंग का खतरा, तो इसने बड़ी सतह के ऊपर जंगों को रोकने में मदद दी और प्रॉक्सी जंगें होती रहीं। यह ढांचा साद जंग के इख्तिताम तक नाजुक लेकिन देर पामन को बरकरार रखता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, Since the creation of the North Atlantic Treaty Organization NATO in 1949, why the United States desire to further expand NATO, elaborate opportunities and challenges for the expansion of the NATO? In 1949 में शुमाली जो है वो जो अकेनूस था यानी मुआहदा तंजीम नेटो, इसके क्याम के बाद अमेरिका क्यों नेटो की मजीद तोसी चाहता था और नेटो की तोसी के मौके और चैलेंजेस की भी वजाहत करें। So why the United States seeks to expand the NATO? अमेरिका क्यों नेटो की तोसी चाहता है? नेटो के क्याम के बाद से अमेरिका ने इसकी तोसी की हमायत की है, ठीक है, ताकि इजतमाई तहफ़ को बढ़ाया जा सके। सो जो इतिहादियों को मजबूत यानी कि किया गया, आलमी
जो नेटो था इसके जरिए अमेरिका के नजदीक इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि वो नई रुकन रियासतों को शामिल करके इसकी पहुंच को मजीद तोसीके यानी कि तोसी बढ़ाए और इसके साथ साथ मौके और चैलेंजेस भी दोनों हैं, यानी कि नेटो की तोसी के मौके हैं तहफ़ और इस्तेकाम में इजाफा और जो है वो नेटो की तोसी से इतिहाद की सलाहियत को जो है वो तकवीत मिलती है, बढ़ती है ताकि जहरियत को रोका जा सके। तो अगर एक रुकन मुल्क के ऊपर हमला होता है ठीक है तो तमाम अराकीन को जवाब देने का पाबंद किया जाता है जिससे फिर मुमकिन खतरा जो है वो दोबारा सोचने पर मजबूर होते हैं। उसके बाद फिर वसाइल और सलाहियतों का भी यानी कि इजाफा होता है। नए अरकान फौजी वसाइल और हिकमत अमली के लिहाज से अहम जो है वो मकामात फराम करते हैं जो नेटो के मजमू दिफाई सलाहियतों को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड शेयर्ड वैल्यूज सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड शेयर्ड गोल। तो अमेरिका का मानना है कि नेटो की तोसी नए रुकन मुमालिक में जमहूरियत और सियासी इस्तेकाम को फ़रोग देती है और नए अरकान जो हैं वो आमतौर पर जो पुरमन इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए नेटो के हदाब के साथ आमांग होते हैं ठीक है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस क्या है? एक्सपेंडिंग नेटो अलाउज द यूएस टू काउंटरएक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द राइवल पावर्स लाइक रशिया इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्गर वेस्टर्न प्रेजेंस इन क्रिटिकल रीजंस। तो नेटो की जो तोसी है वो अमेरिका को रूस जैसी हरीफ ताकतों के असरात का मुकाबला करने का मौका देती है और इसे मगरबी ताकत का असर अहम इलाकों में मजीद मुस्तहकम होता है। देन जैसे जैसे नेटो बढ़ता है ठीक है इसका असर नए इलाकों तक पहुंचता है फिर जैसे अमेरिका और इसके इतिहादियों को एक वसी हिफाजती नेटवर्क मिलता है। अब नेटो की एक्सपेंशन में चैलेंजेस क्या हैं? जो मुखालिफ ममालिक हैं उनके साथ कशीदगी में इजाफा है तो रूस जो है वो नेटो की तोसी को एक ख़तरा समझता है खासतौर पर जब उसके सरहदों के करीब ममालिक शामिल होते हैं तो इससे अमेरिका रूस के ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं और जोग्राफी और सियासी कशीदगी भी बढ़ सकती है। फिर तनाजात के बढ़ने का भी खतरा है कि नए अरकान को शामिल करने से खासतौर पर मुतनाज़ा इलाकों में तो तनाजात के बढ़ने का खतरा हो सकता है और नेटो की जिम्मेदारियां मजीद पेचीदा हो सकती हैं। बर्डन ऑफ द कलेक्टिव डिफेंस फिर इजतमाई दिफा की जिम्मेदारियों का भी बोझ होता है। एक्सपेंडिंग नेटो मींस द यूएस एंड अदर मेंबर्स मस्ट डिफेंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ द नेशंस व्हिच कैन स्ट्रेच मिलिट्री रिसोर्सेज ठीक है। नेटो की तोसी का मतलब यह है कि अमेरिका और बाकी जो अरकान हैं उनको ज्यादा ममालिक का दिफा करना होगा जिससे फौजी वसाइल पर दबाव बढ़ सकता है और उसके बाद उनकी जो है कॉस्टली कमिटमेंट है कि नए अरकान को फौजी मदद या फिर माली मामनत की जरूरत हो सकती है। तो नए अरकान को जो फौजी मदद या फिर माली मामनत की जरूरत बढ़ सकती है फिर जिससे जो नेटो है उसके मालिक अखराजात में इजाफा हो जाता है और मफादात में भी फर्क आता है। इतिहाद के हवाले से भी मसाइल होते हैं यानी तरजीहात में फर्क आ जाता है। हर नेटो के रुकन जो के जो मुख्तलिफ तशवीशात होती हैं और नए अरकान मुख्तलिफ मफादात लेकर आ सकते हैं जो फैसलों में पेचीदगियाँ पैदा करते हैं ठीक है। और जैसे जैसे नेटो बढ़ता है तमाम अराकीन को आलमी खतरात के जवाब में मुतहद रखना एक चैलेंज बन सकता है। तो जैसे जैसे नेटो बढ़ता है फिर यानी कि चैलेंजेस भी इसके साथ साथ बढ़ते जाते हैं तमाम अराकीन के लिए। तो अमेरिका जो है वो नेटो की तोसी को आलमी तहफ़ यानी कि को मजबूत करने के लिए और जमहूरी जो इकदार हैं वैल्यूज़ हैं उनको फ़रोग देने का एक तरीका समझता है ठीक है। तो तोसी को एहतियात से मुनज़म करना ज़रूरी है ताकि कशीदगी में इजाफा ना हो और नेटो के वसाइल पर बोझ भी ना पड़े। तो इन मौके और चैलेंजेस का तवाज़ुन जो है वो इतिहाद की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीम टू शिफ्ट अवे फ्रॉम यूरोप टू द एशिया पैसिफिक रीजन विच द यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैड टर्म्ड एज अ पिवट टू एशिया अ रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी। सो इन द लाइट ऑफ द चेंजिंग जियोस्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट हाउ कुड यू सी द राइज ऑफ द चाइना वाइज़ अवे दिस यूएस जियोस्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। बैन अक्वामी सियासत की जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यूरोप से एशिया और बहरुल कायल के इलाके की तरह मुंतकिल होती नजर आती हैं जिसे अमेरिकी सदर बराक ओबामा उन्होंने एशिया की तरह मुतवाजन होना या फिर पिवट टू एशिया की हिकमत अमली कहा था। तो तब्दील होते जोग्राफी हिकमत अमली माहौल के पेश नज़र आप चीन के अरूज को किस तरह देखते हैं जो अमेरिका के एशिया बहरुल कायल के इलाके में जोग्राफियाई हिकमत अमली के मफादात के हवाले से है ठीक है। तो डिस्कस करते हैं हम इसको कि अमेरिका की एशिया की तरफ मुतवाजन होना और हिकमत अमली और इसके अलावा एशिया बहरुल कायल के इलाके में चीन का अरूज। सो इन रीसेंट ईयर्स इंटरनेशनल फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम यूरोप टू द एशिया पैसिफिक रीजन ड्यू टू द रैपिड राइज ऑफ द चाइना एज ग्लोबल पावर अंडर प्रेसिडेंट ओबामा यूएस अडॉप्टेड अ
pivot to Asia strategy aiming to strengthen its influence in this vital area. So China rise presents both opportunities and challenges for US interest in the Asia Pacific. Recent years mein jo bain aqwami tawajjuh hai wo Europe se Asia Bahrul Kail ke ilake ki taraf muntakil ho chuki hai, theek hai, jiski sabse badi wajah China ka aalmi taqat ke taur par tezi se ubharna hai. Sadr Obama ke तहत अमेरिका ने एशिया की तरह मुतवाजन होना की हिकमत अमली अपनाई, जिसका मकसद इस अहम इलाके में अपने असर रसूख को मुस्तहकम करना था. चीन का अरूज अमेरिका के मफादात के लिए दोनों मौके और चैलेंजेस फराहम करता है. देन इम्पोर्टेंस ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड ग्रोइंग इकोनॉमी. तो एशिया जो है वो बहरुल काइल का खिता दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों के ऊपर मुश्तमिल है, जो आलमी तजारत के लिए इंतहाई अहम है, ठीक है. और फिर अहम तजारती रास्तों का पॉइंट है कि खासतौर पर जो जनूबी चीन है समंदर, तो ये एक अहम बहरी रास्ता है जो आलमी तजारत का बड़ा हिस्सा यानी कि उसको सहारा देता है. फिर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कंसर्न है, स्ट्रेटजिक मकाम है खित्ते के कि जो अमेरिका के मगरबी साहिल है उनके करीब वाक़ होने के लिए, और इसके अलावा आलमी तहफ़ में इसकी अहमियत की वजह से यहाँ का जो इस्तेकाम है वो अमेरिका के मफादात के लिए ज़रूरी है, ठीक है. तो इसके अलावा मिलिट्री प्रेजेंस है, यूएस हैज की अलाइज इन द रीजन सच एज जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, विच हेल्प मेंटेन अ बैलेंस ऑफ द पावर. अमेरिका के पास इस खित्ते में अहम इतिहादी हैं, जापान है, जनूबी कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जो ताकत के तवाजुन को बरकरार रखने में मदद फराहम करते हैं. देन चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द एशिया पैसिफिक, फिर चाइना का एशिया बहरुल काइल में बढ़ता हुआ असर रसूख है. इसमें मुआशी तौर पर उसकी तोसी शामिल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का एक प्रोग्राम. तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मकसद है वो तजारती रास्ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर है, ठीक है, जिससे इसका इक्तसादी असर एशिया और उसके आगे तक भी बढ़ रहा है. फिर इन्वेस्टमेंट इन रीजनल इकोनॉमी, चीन जो है वो एशिया बहरुल काइल के ममालिक में अहम तजारती जो शराकत दारी है और सरमाया यानी कारी है, तो ये बहुत बड़ा सरमायाकार बन चुका है, अहम तजारती शराकत दार भी है, जिससे इसकी इक्तसादी ताकत में अजाफा हो रहा है. देन मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग, फिर फौजी ताकत में इजाफा है. चीन ने जो है इस बहरिया को तेजी से बढ़ाया है, खासतौर पर जनूबी चीन समंदर में फौजी अड्डे कायम किए हैं. इसके अलावा जो है चाइना जनूबी चीन समंदर के बड़े हिस्सों के ऊपर दावा करता है, जिससे हमसाय ममालिक के साथ तनाजात पैदा हो गए हैं और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को भी चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस टू यूएस जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, अमेरिका के जोग्राफिया हिकमत अमली मफादात के लिए जो चैलेंजेस हैं. तो जो इलाकाई ताकत के तवाजन के लिए खतरा है, इतिहादियों की तब्दीली है कि चाइना का जो अरूज है वो ममालिक को बीजिंग के साथ मजीद करीब लाने की वजह बन सकता है, जिससे अमेरिका के इलाकाई इतिहाद जो है वो कमज़ोर हो सकता है. इसके अलावा चाइना का जो यानी कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है आलमी तंजीम जैसे कि यूएन में यानी अक़वामे मुत्तहिदा में अमेरिका की क़यादत को चैलेंज कर सकता है. फिर इकोनॉमिक कंपटीशन है कि चीन की इक्तसादी ताकत और इस खित्ते में तजारती तालुकात जो हैं वो अमेरिका के इक्तसादी मफादात के लिए बर रास्त मुकाबला है, ठीक है. देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, चाइना एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस द यूएस कंपिटेटिव एज. सो टेक्नोलॉजी में पेशरफ, चाइना की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की अमेरिका की जो मुसाबकती बढ़ती है उसको कम कर सकती है. यूएस स्ट्रेटजीज टू काउंटर बैलेंस चाइना इन्फ्लुएंस, और चाइना के असर रसूख का तवाजन बरकरार रखने के लिए अमेरिका की हिकमत अमली क्या है. इतिहादियों और शराकत दारियों को अमेरिका मजबूत कर रहा है, और अमेरिका जापान जनूबी कोरिया इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ शराकत दारी को मुस्तहकम करने की कोशिश करता है ताकि चीन का मुकाबला किया जा सके. और इसके अलावा तजारती माहदों और फौजी तमन में भी शामिल है, जैसे कि क्वाड है जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ खित्ते की सलामती को बढ़ाने में मदद करता है. फिर इसके अलावा जनूबी चीन समंदर में यानी कि मौजूदगी है, यूएस जो है यानी आज़ादी की नेविगेशन ऑपरेशंस अमेरिका जो है वो बाकायदगी से ऑपरेशंस करता है, और ताकि जनूबी चीन समंदर के जरिए आज़ाद गुजरगाह को यकीनी बनाए और चीन के इलाकाई दावों को वो मुखालफत करता है. तो मिलिट्री बेसिस एंड एक्सरसाइज मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन द एशिया पैसिफिक Sports deterrence and reassure allies. फौजी अड्डे और मशकें, एशिया बहरुल काइल में मजबूत फौजी मौजूदगी रखने से रुकावट पैदा करने में इतिहादियों को यकीन दहानी कराने में मदद मिलती है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कंक्लूड करते हैं, चाइना के अरूज अमेरिका के मफादात के दरमियान
हमने तवाजन को डिस्कस किया है कि एशिया बैरल में चीन का अरूज जो है वो अमेरिका के लिए यानी कि मसाबकत और चैलेंजेस फराम करता है, बहुत कंपटीशन एंड चैलेंजेस दोनों फराम करता है, जिससे जैसे यकीत इकतसादी और हमत अमली के लिहाज से ज़्यादा अहम होता जा रहा है, तो अमेरिका अपने एशिया की तरफ मुतवाजन होना ये जो उसकी पॉलिसी है, हमत अमली है, तो ये जारी रखे हुए है ताकि असर रसूख को बरकरार रखा जा सके, ठीक है, तो ताकि इस तकाम को भी यकीनी बनाया जा सके और ताकत के तवाजन को बरकरार रखा जा सके। सो हमने डिस्कस किए हैं पास्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ यूएसए पास्ट पेपर 2020 के तमाम क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन या इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।